हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे आउटसाइड को आप प्राइमर में कलर मिला के कर सकते हैं बहुत ही कम खर्चा में। दोस्तों, सोनोसिम का जो रेट होता है, सोनोसिम का जितना खर्चा आता है वही खर्चा में आपका आउटसाइड हो जाएगा प्राइमर में स्टेनर मिला के, तो बहुत ही कम खर्चा होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को फुल डिटेल्स में बताऊँगा कैसे आपको करना है, तो कितना क्या इसका खर्चा आएगा आउटसाइड करने में, कितना पेंट में पानी मिलाना है और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, जरूर वीडियो लास्ट तक बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पेंट रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में अपलोड करते ही रहता हूँ। तो दोस्तों, ये है बर्जर का वॉल मास्क था, तो ये आउटसाइड का प्राइमर है दोस्तों। तो आप एशियन का भी कर सकते हैं, एशियन का भी आउटसाइड का प्राइमर आता है, तो इसका करीबन आपको 2300 से 2400 रुपया दाम पड़ेगा। तो इसमें कलर के लिए अलग से आपको पैसा लगेगा, तो जो कलर आप चॉइस करते हैं वो कंप्यूटर से इसमें डाल दिया जाएगा, या फिर आप अलग से स्टेनर से भी घर में बना सकते हैं। अलग से 200 ग्राम करके स्टेनर लगा के कोई भी कलर आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसका अलग से 300 रुपया करीबन लगा स्टेनर का, तो इसका 2400 रुपया दाम था, 300 रुपया करके और ऐड हुआ कलर का। तो दोस्तों, अगर आपका पुराना बिल्डिंग है तो पहले तो बिल्डिंग को अच्छा से वॉश कर लेना है, सैंडिंग करके अच्छा से घास के वॉश कर लेना है। उसके बाद ही इसको दो कोट अप्लाई करना है, एक कोट करने के बाद इसको एक दिन रेस्ट देना है, फिर दूसरा दिन इसको डबल कोट करना है। तो दोस्तों, अगर आपका न्यू बिल्डिंग है तो न्यू बिल्डिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको न्यू बिल्डिंग में दो कोट में उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा, आपको तीन कोट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये एक टू फ्लोर का घर है, इसका छत करीबन 900 स्क्वायर फीट का है। तो दोस्तों, इसमें मेरा तीन बाल्टी लगा है 20 लीटर करके। तो दोस्तों, ये जो कलर है तो इसका पहले से सोनोसिम किया हुआ था, तो इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आपका वेदर कोट किया हुआ रहता है या फिर कोई भी पेंट किया हुआ रहता है तो उसका ऊपर आपको दो कोट करने से फिनिशिंग होगा, अगर न्यू बिल्डिंग है तो आपको तीन कोट तक करना पड़ जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्राइमर है इसमें आपको करीबन पर लीटर में 300 से 400 ml तक पानी मिला सकता है। तो 300 से 400 ml तक पानी मिला के ही आपको इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इसको फर्स्ट कोट अप्लाई हो जाने के बाद आपको डबल कोट के लिए एक दिन इसको रेस्ट दे देना है, फिर इसको एक दिन रेस्ट देने के बाद डबल कोट करना है। तो पहले तो दोस्तों, पूरा बिल्डिंग में ऐसे करके आपको अप्लाई कर लेना है एक कोट, उसके बाद ही आपको डबल कोट करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही कम खर्चा आता है इसे पेंट करने में आउटसाइड। अगर अभी आपका बजट नहीं हो रहा है वेदर कोट करने का, तो ऐसे करके आप रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका 5 से 7 साल आराम से इसका चल जाएगा। तो इसका जितना बॉर्डर है वो सब में आपको वेदर कोट ही करना है, वो भी कम रेट में आता है, 200 रुपया लीटर वेदर कोट आ जाता है तो बॉर्डर के लिए। तो वो कोई भी कलर आप ले सकते हैं बिल्डिंग का मैचिंग का हिसाब। तो दोस्तों, अगर आपका 900 स्क्वायर फीट का छत है डबल फ्लोर का, तो आपका करीबन 15,000 का मटेरियल में कंप्लीट हो जाएगा। हैमर करके वेदर कोट करना ही बेटर रहेगा, लेकिन अब बजट कम है, सोच रहे हैं कम बजट में करना है, तभी आप प्राइमर में स्टेनर मिला के कीजिए, नहीं तो आप वेदर कोट ही कीजिए, उससे वाटर प्रूफिंग अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये ऑरेंज कलर है, एक येलो कलर है, तो वेदर कोट है दोस्तों, ये सब बॉर्डर के लिए है। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है बिल्डिंग जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। अगर अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं पेंट रिलेटेड वीडियोस इस चैनल में अपलोड करते रहे। तो दोस्तों, ये जो कलर है वो आप अपना हाथ से भी बना सकते हैं। जो स्टेनर रहता है 200 ग्राम का, कोई भी आप कलर चाहते हैं तो वो कलर आप 200 ग्राम करके ला सकते हैं। जो प्राइमर रहता है वाइट बेस ही रहता है, तो उसमें आप घर में ही मिला के कर सकते हैं, या कैटलॉग देख के करते हैं तो कंप्यूटर में मिला के भी दुकानदार आपको बना के देगा। लेकिन अगर आप खुद का हाथ से चाहते हैं तो आपको जो स्टेनर है छोटा छोटा वो लाना है, प्राइमर लाना है, हाथ से मिला के कोई भी कलर आपका रेडी हो जाएगा।